दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा, ढूंढे कई सहारे मैंने फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में शांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा, ढूंढे कई सहारे मैंने फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मुक्ति उद्धार या मोक्ष की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है और प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेकर मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। परंतु आज मैं बताना चाहूँगा आपको कि बचाए जाने के लिए हमें क्या करना है। इससे पहले हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के आने के कौन से चिन्ह हैं, प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से आएगा, परंतु वो किस प्रकार से मुझे और आपको ले जाएगा, हमें अपने बचने के लिए क्या करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दुनिया में हम नष्ट हो जाएं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जिस समय कोई भी मुसीबत या परेशानी मेरे और आपके जीवन के ऊपर आती है, तब मैं और आप क्या करते हैं, उस परेशानी से बचने का भरकस प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप किसी नदी में जा रहे हों, आप एक नाव में बैठे हों और वो नाव एक नदी में डूबने लगती है। जब वो डूबने लगती है तब आप क्या करेंगे, आप उस नदी में डूबने से बचने के लिए बहुत से यत्न करेंगे, आप किसी भी तरीके से ये कोशिश करेंगे कि आप उसमें से डूबने से बच जाएं।
आप उस नाव में जो पानी भर रहा है उस पानी को निकालते रहेंगे, परंतु मान लीजिए आपकी नाव डूब जाती है, आप नदी के अंदर हो जाते हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे? परंतु उसके बाद भी आप अपनी अंतिम सांसों तक अपने हाथ पैर को चलाते रहेंगे। जब तक आपकी सांस चलती रहेगी तब तक आप बचने का भरकस प्रयास करेंगे, आप बचने की हर एक प्रकार से कोशिश करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तो क्यों नहीं प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले हम अपने आप को बचाने की कोशिश करें। किस तरीके से हम अपने आप को बचा सकते हैं? कौन से ऐसे साधन हैं जो हमें बचा सकते हैं? इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा साधन नहीं है जो हमें बचा सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अब ऐसा नहीं है कि दोबारा आएगा और वह हमारे लिए जान देगा और हम फिर उस पर विश्वास करेंगे और उस लहू को अपने ऊपर लेंगे, क्योंकि ये एक बार हो चुका है और दोबारा नहीं होने का है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये यत्न मुझे और आपको करना है। बचाव मेरे और आपके जीवन के द्वारा अपने व्यक्तिगत तरीके से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है और ये ऐसी बात भी नहीं है जो आप जानते नहीं हैं। यदि परमेश्वर का वचन आपके पास है, परमेश्वर का वचन आप अपने पास रखते हैं, आपके घर के अंदर है, और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आपके पास है। यदि है तो आप देखें उसे, आप उसमें पढ़ें कि किस तरीके से परमेश्वर हमें ये बताता है कि हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में कैसे बचा सकते हैं, किस तरीके से उस आने वाली मुसीबत से हम बच सकते हैं। सबसे पहली बात, जब आप पहले पत्रस की पत्री को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहला पत्रस और उसका 3 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा हुआ है, सचेत हो जाओ, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की भांति इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि हम सचेत हो जाएं कि किस तरीके से कौन हमें भरमा रहा है और हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दें। और दूसरी बात लिखी है कि जागते रहो। कैसे जागते रहो? क्या कारण है जागने का? मुझे एक बहुत पुराने समय में क्या हुआ करता था कि गली और मोहल्लों में चौकीदार घूमा करते थे। जब चौकीदार घूमा करते थे तो वो एक बात बोलते थे, जागते रहो, जागते रहो। कभी कदम मैं जब अच्छा खासा समझदार था, मैं ये सोचता था कि जब हम जागते रहेंगे तो फिर इसका ड्यूटी करने से क्या फ़ायदा है। आज जब परमेश्वर ने मुझे चुना और परमेश्वर का वचन जो है वो मेरे जीवन में एक चौकीदार की तरह आवाज़ देता है कि जागते रहो, तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि प्रभु मुझे कैसे जागना है, किस तरीके से जागना है। जागने का मतलब है कि हम अपनी आत्मा में जागते रहें। जागने का मतलब है हम इन बातों से हमेशा सचेत रहें कि कोई ऐसी बुराई तो नहीं है, कोई ऐसा लोग तो नहीं है, क्या शैतान हमें कोई इस तरीके से किसी भी प्रकार के प्रलोभन में फांस कर हमें हमारे जीवन को नष्ट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इस खोज में रहता है कि जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, जितने भी परमेश्वर को मानने वाले हैं, जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो किसी भी तरीके से उनका विश्वास टूट जाए, वो परमेश्वर के राज में ना जा पाए, कम से कम संख्या जो है वो प्रभु यीशु मसीह की करने पर तुला हुआ है और वो ये सोचता है कि प्रभु यीशु मसीह के जितने भी लोग हैं उनकी संख्या कम हो जाए और मेरी संख्या बढ़ जाए। आप किस संख्या को बढ़ाना चाहेंगे? प्रभु यीशु मसीह की। निश्चय प्रभु यीशु मसीह की संख्या को बढ़ाना चाहेंगे। यदि आप प्रभु यीशु मसीह की संख्या को बढ़ाना चाहेंगे तो क्या होना है? सचेत हो जाएं, अलर्ट हो जाएं और जागते रहें, अपनी आत्मा को जगाएं और देखते रहें कि कौन सी ऐसी बुराई है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन को प्रभु यीशु मसीह के से दूर करने पर तुले हुए हैं, कौन सा ऐसा काम है जो आपके जीवन में हो रहा है जो प्रभु यीशु मसीह से दूर ले जाए। सबसे पहली बात कि हम जागते रहें। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके 7वें पद में पढ़ेंगे, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं ज़्यादातर लोगों के सामने इस बात को प्रचार करता हूँ। वहाँ पर लिखा हुआ है, और परमेश्वर के अधीन हो जाओ। कैसे? और परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तब शैतान का सामना करो तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा।
कभी कदार हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं हाँ भाई हम तो मसीह हो गए हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया है, अब तो हम पवित्र इंसान हो गए हैं, अब तो हम प्रभु यीशु मसीह के कहलाते हैं, अब हम शैतान का सामना करेंगे तो शैतान हमारे सामने से भाग जाएगा। ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के अधीनता का मतलब क्या होता है कि हर एक बात में, हर एक चीज में हम प्रभु यीशु मसीह के अधीन हो जाए। अय्यूब प्रभु यीशु मसीह के अधीन था। शैतान ने उससे कहा, परमेश्वर से, कि तूने तो उसे सब कुछ दिया है, सारी फैसिलिटी उसके पास है, सारी चीजें उसके पास है, किस चीज की कमी है उसके पास? वो तो तेरी अधीनता में रहेगा और तेरा धन्यवाद करता रहेगा। आज तू उससे ये सारी फैसिलिटी ले ले, आज सारा धन दौलत उससे ले ले, आज सारी चीजें उसको मत दे, फिर देख वो तेरी ही निंदा करेगा। मगर हमारा परमेश्वर हम पर बहुत गर्व करता है। वो जानता है कि जो मेरे लोग हैं वो कभी भी मेरे नाम को शैतान के सामने लज्जित नहीं होने देंगे, वो कभी भी मेरी बातों को शैतान के सामने लज्जित नहीं होने देंगे। इसलिए उसने कहा ठीक है, तो अय्यूब की बात करता है, जा अय्यूब को ले ले। शैतान ने उसके सब बच्चों को मार डाला, सारा धन दौलत और उसकी संपत्ति तहस नहस कर दी, सब कुछ उसका बर्बाद कर दिया और अय्यूब जो था बिल्कुल भूमि पर आ गया। यहाँ तक अय्यूब के शरीर में इतने फोड़े फुंसी पैदा कर दिए कि बयान से बाहर था। अय्यूब का जो दर्द था वो इतना बढ़ता चला गया कि शायद आज मैं और आप उस दर्द से नहीं गुजरे हैं। यदि मैं और आप अय्यूब जैसे व्यक्ति के दर्द को जानते या उसके दौर से गुजरते तो हमें पता होता कि अय्यूब क्या है। कह देना बहुत इजी होता है। आज मैं आपके सामने जो अय्यूब की बात कर रहा हूँ बहुत इजी है, परंतु अगर इसको मैंने सहन किया होता तो मुझे महसूस होता, मेरा दुख मैं ही जानता। उस समय अय्यूब अपने दुख को जानता था, परंतु इसके बावजूद भी परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो सचेत था, वो आत्मा में जागरूक था, उसने कभी भी किसी भी बुराई को अपने जीवन में आने नहीं दिया, उसका सब धन दौलत समाप्त हो गया और वो परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा परमेश्वर का। शैतान लज्जित होकर उसके पास से चला गया, शैतान को उसने लज्जित कर दिया, उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा को आगे बरकरार अपने जीवन में बनाए रखा और परमेश्वर की बहुत सी आशीषों को पाया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम इस संसार की धन दौलत से प्रेम ना करें, हम इस संसार के माया मोह में ना फंसें, तब देखें कि हम प्रभु यीशु मसीह हमें कितना प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह हमसे कितना प्रेम करता है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं चाह परमेश्वर की अधीनता में तो हमें जाना है, परमेश्वर की अधीनता में हमें हर समय बने रहना है। परमेश्वर के लोग जब इस पृथ्वी पर थे तो वो खुद इस बात का बयान करते हैं। एलिया कहता है कि मैं जो परमेश्वर के समक्ष उपस्थित रहता हूँ, वो इस पृथ्वी पर है परंतु क्या कह रहा है कि मैं परमेश्वर के समक्ष उपस्थित रहता हूँ। यूहन्ना अपने प्रकाशित वाक्य में लिखता है और हम जब उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि यूहन्ना जो है पास्मो टापू पर जो है एक सजा भुगत रहा है, मगर वो सजा नहीं भुगत रहा है, वो तो परमेश्वर की उपस्थिति में बना हुआ है। कैद खाने में सिलियास और पौलुस जो हैं बेड़ियों से जकड़े पड़े हैं, परंतु वो परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर की अधीनता में सौंप दिया और वो परमेश्वर की अधीनता में चले गए, और जब वो परमेश्वर की अधीनता में चले गए तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप हो गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की अधीनता ही परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करती है। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहते हैं तो आप अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में ले जाइए, इस संसार की अधीनता में नहीं, इस संसार के भोग विलास की अधीनता में नहीं, इस संसार की चीज़ों की अधीनता में नहीं, संसार की माया मोह की अधीनता में नहीं, संसार के लोगों के प्यार मोहब्बत की अधीनता में नहीं, झूठी शानों और शौकत की अधीनता में नहीं, बल्कि परमेश्वर की, सच्चे परमेश्वर की अधीनता में, सच्चे परमेश्वर के उज्जीवित परमेश्वर की अधीनता में जाइए और देखिए। हम अपने जीवन में देखें परमेश्वर की उपस्थिति को, हम अपने परिवार में देखें परमेश्वर की उपस्थिति को, हम अपने बच्चों में देखें परमेश्वर की उपस्थिति को,
हम जहां जाएंगे, हम जहां रहेंगे, जिस हाल में होंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को देखते रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को पाते रहेंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं एक वचन और पढ़ना चाहूँगा आपके साथ। परमेश्वर के वचन में ही लिखा हुआ है, रोमियो 7 अध्याय और उसके 19 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। रोमियो 7 अध्याय और उसका 19 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन बताता है, यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूँ। यहाँ पौलुस एक बहुत बड़ी बात कह रहा है। वो कह रहा है कि मैं अच्छे काम की इच्छा रखता हूँ, मैं अच्छे काम करने की कोशिश करता हूँ, परंतु मुझसे नहीं होता। और जिस बुराई के बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ, जिस बुराई को करने के लिए मैं नहीं जहन में लाता हूँ अपने, वो बुराई मुझसे हो जाती है। क्यों? ये क्या बात है? क्योंकि वो ऐसे अंतिम समय में, ऐसे बुरे संसार में रह रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं और आप भी इस बुरे संसार में हैं, इस बुराई में हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि हमें जो है परमेश्वर की अधीनता में रहना है, ताकि हम सिर्फ अच्छे काम करने की कोशिश करते रहें। इसका मतलब ये नहीं है कि पौलुस अच्छे काम को नहीं कर रहा है या उसने अच्छे काम छोड़ दिए हैं, बल्कि वो अच्छे काम की कोशिश में लगा हुआ है, बशर्ते वो काम नहीं हो पा रहा उससे, परंतु वो अच्छे काम को नहीं छोड़ रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, किसी भी अच्छे काम को मुझे और आपको नहीं छोड़ना है, मुझे और आपको उस अच्छे काम को करते रहना है, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी हानि क्यों ना उठाना पड़े, चाहे उसके लिए हमारे जीवन में कितनी भी बुराई क्यों ना है, चाहे उसके लिए हमारा सारा धन दौलत चला जाए, हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सारी आशीषों का जो श्रोता है वह हमें आशीष पे आशीष देगा। अय्यूब को परमेश्वर ने क्या दिया? सब कुछ छीनने के बाद सब कुछ उसका डबल मिल गया। अगर उसके 50 गाय बैल नष्ट हुए थे तो परमेश्वर ने उसे 100 गाय बैलों को दिया, और वो परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीष दी है, परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीष से भरा है, तो मुझे और आपको वो दुगनी आशीष से क्यों नहीं भरेगा? परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। मैं एक पद और आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है। हाँ, परमेश्वर जो प्रेम है वो इस बात को कहता है कि परमेश्वर जो प्रेम है वो बताता है कि जो विश्वास करते हैं उसके ऊपर, जो उसकी सुनते हैं, जो उसकी मानते हैं, और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो है उन पर विश्वास करता है, और किस तरीके से उन्हें अपनी पवित्रता में बनाए रखता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी पवित्रता में लेना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी पवित्रता में बनाए रखना चाहता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे हमें अपनी पवित्रता में बनाए रखना चाहता है। हम प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता में बने रहें, ताकि उसकी पवित्रता में बने रहने से हम परमेश्वर की उन सारी आशीषों को प्राप्त कर लें। जिन्होंने उस पर विश्वास किया वो नाश नहीं हुए परंतु अनंत जीवन पाया है। आज सबसे बड़ा कारण है कि हम विश्वास बने। मगर कैसे बने विश्वास? याकूब 2 अध्याय को या 3 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि विश्वास कर्म बिना अधूरा है। हम बड़े हर्ष और उत्साह के साथ कहते तो हैं कि हम विश्वासी हैं, हम प्रभु में विश्वास रखते हैं, हम संपूर्ण विश्वास रखते हैं, हमारे विश्वास को कोई डिगा नहीं सकता, हमारे विश्वास को कोई नाश नहीं कर सकता, परंतु कार्य कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह में कार्य क्या है? हम क्या कोई कार्य करते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर रहे हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे रहे हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत सी आत्माओं को जीत रहे हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को चारों तरफ फैला रहे हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई का बयान दूसरों से करते हैं? नहीं। तो कैसा विश्वास है? हम तो चुपचाप सुनते हैं और अपने घर में बैठ जाते हैं। हम हमारे सामने जो भी आत्मा है जो हमें बचानी चाहिए हम नहीं बचाते हैं, तो फिर कैसा प्रेम है? क्या परमेश्वर ने उन लोगों से प्रेम नहीं किया? परमेश्वर ने उन लोगों से भी प्रेम किया, तो फिर मैं और आप उस प्रेम को बांटते क्यों नहीं है? मैं और आप जो परमेश्वर का प्रेम मेरे और आपके जीवन के अंदर है, वो प्रेम दूसरों के जीवन तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? विश्वास तो है, हम विश्वासी हैं, और बहुत बड़े विश्वासी हम अपने चर्च में या अपने परिवार में कहलाए जाते हैं, परंतु मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यह विश्वास अधूरा है, यह विश्वास परमेश्वर नहीं देखता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि याकूब की ही पत्री को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि तू विश्वास करता है तो अच्छा करता है, परंतु इतना जान ले कि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं।
हाँ, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं और तो और वो उसके नाम से डरती और कांपती भी हैं। अगर हमारा विश्वास भी दुष्ट आत्मा की तरह है तो फिर दुष्ट आत्मा में और हम में क्या अंतर रह गया? बस फर्क इतना है कि उनके पास शरीर नहीं होता है और हमारे पास शरीर है। हम शरीर वाली दुष्ट आत्मा हैं, वो बिना शरीर वाली दुष्ट आत्मा है। क्यों? वो विश्वास वो भी रखती हैं और विश्वास हम भी रखते हैं। ना तो कर्म वो करते हैं और ना कर्म हम कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह में कर्म करना है, शारीरिक वाली दुष्ट आत्माएं नहीं, क्योंकि शारीरिक वाली दुष्ट आत्माएं भी नाश होंगी और जिनके पास शरीर नहीं है वो वाली दुष्ट आत्माएं भी प्रभु में नाश होंगी। हमें नाश नहीं होना है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें प्रभु में बनाए रखना है। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका 19 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन बताता है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रामित किए दिन के आए। अर्थात हम प्रभु में प्रभु के पास आए, मन फिराएं। मन को फिराना, कैसे मन को फिराना है? प्रभु के पास आकर, हे प्रभु मैं अपना जीवन तुझे समर्पित करता हूँ या तुझे समर्पित करती हूँ। हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पित करें और कहें कि प्रभु तू हमारे इस जीवन को ले, हमारे सारे पापों को धो दे और हमारे सारे पापों को तू मिटा दे। प्यारे प्रभु जी, मैं अपने जीवन को आज तुझे देता हूँ या देती हूँ। सही में जब हम समर्पित वाला जीवन जीते हैं तब परमेश्वर की आशीष आती है, तब प्रभु हमारे हृदय को धो डालता है, तब प्रभु हमारे हृदय के अंदर वास करता है। जब वह हमारे हृदय के अंदर वास करता है तब परमेश्वर की पवित्रता और परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन से निकलती है। तब हम पहचान पाते हैं कि सच में हम परमेश्वर के लोग हैं और फिर हम बैठेंगे नहीं, हम खाली नहीं रहेंगे, बल्कि उन सभी को जो पाप के बोझ से दबे हुए लोग हैं, जिनको शैतान जो है फाड़ने पर तुला हुआ है, बर्बाद करने पर तुला हुआ है, उनको बचाने की कोशिश करते हैं। अब वो इंसान फिर बैठने का नहीं है। यदि मैं और आप प्रभु पे विश्वास करते हैं और हमारा और आपका जीवन प्रभु को समर्पित है तो यकीन जानिए हम खाली नहीं बैठेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ लगे रहेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के बहुत सी आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के लिए जीतने वाले बनेंगे। मैं चाहूँगा कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि भजन संहिता 32 अध्याय और उसके 5 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, भजन संहिता 32 और उसके 5 पद में परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, यहाँ लिखा हुआ है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छुपाया और मैंने कहा यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। परमेश्वर का वचन ये बताता है, दाऊद कहता है इस बात को, दाऊद बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ ये कहता है कि जब मैंने अपने सारे गुनाहों को, अपने अपराधों को अपने जीवित परमेश्वर के समक्ष रख दिया कि प्रभु मैंने ये पाप किए हैं, मैंने ऐसे ऐसे गुनाह किए हैं, ओ प्यारे प्रभु जी तू ही गुनाह को माफ करने वाला है, तू ही मेरे पापों को धो सकता है, मुझे मेरे पापों से बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता, तो परमेश्वर ने उसके सारे गुनाहों को क्षमा किया, परमेश्वर ने उसकी सारी गलतियों को माफ किया। और दाऊद के अंदर एक बात थी, परमेश्वर उसके बारे में एक गवाही देता है कि मेरे मन के मुताबिक मुझको एक शख्स मिल गया। कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर के मन के मुताबिक। ओहो, क्या हम परमेश्वर के मन के मुताबिक हैं? कब हो सकते हैं? जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तब परमेश्वर मेरे और आपके लिए भी ये कहता है कि मेरे मन के मुताबिक एक शख्स मिल गया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर के मन के मुताबिक अपने जीवन को जीना है, हमें परमेश्वर के मन के मुताबिक रहना है। और मत्ती की इंजील में इसलिए वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लेता है। ऐसा नहीं है कि आप एक लकड़ी का लंबा सा क्रॉस बना लें और उसको अपने कंधे पर रख लें और उसको उठाए फिरें और कहते रहें कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। ऐसा नहीं, क्रूस का मतलब होता है दुख, क्रूस का मतलब होता है दुख, दर्द, मुसीबत, जितने भी उसका क्रूस उठाए फिर रहे हैं, क्रूस का मतलब है उसके नाम को लेकर दुख और मुसीबत में है। यदि आप आराम की जिंदगी जी रहे हैं, चैन से बैठे हुए हैं, आपके घर में आपके जीवन में शांति का वातावरण है, किसी भी प्रकार का दुख या मुसीबत या परेशानी नहीं है, तो फिर आप क्रूस नहीं उठा रहे हैं। क्रूस उठाने का मतलब है
कि हम उनके प्रभु यीशु मसीह के नाम को फैलाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के काम को फैलाने के लिए जितने भी दुख और दर्द हम सहन कर सकते हैं उनको सहन करने पाएँ और परमेश्वर की उन सारी आशीषों को प्राप्त करें, ताकि परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब आप पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 6 पद पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। सच में हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है, जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे अधर्मों को हमसे दूर कर देता है, वो विश्वास योग्य है। जब हम बड़े यत्न के साथ उसके पास आते हैं, हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे भरोसे के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं कि हाँ, वो प्रभु यीशु मसीह है, वो उद्धार करता है, वो जीवित परमेश्वर है जो मेरे और आपके गुनाहों को माफ कर सकता है। जब हम अपनी गलती को मान लेते हैं, जैसे दाऊद ने मानी, हर एक बुराई उसके सामने खोल के रख देते हैं, तो वो हमारे गुनाहों को माफ कर देता है, तो वो हमारे गुनाहों को क्या करता है, माफ कर देता है और हमारे जीवन को बदल देता है। और जब हमारा जीवन बदल जाता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह में हो जाते हैं, तब हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वह हमें ले जाने के लिए तैयार है और हम उसके साथ वास करेंगे। मैं चाहूँगा प्रेरितों के काम 5 अध्याय और उसके 31 पद में एक बहुत प्यारी बात लिखी है। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और उसके 31 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वे इसराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा को प्रदान करें। वो सच में प्रभु यीशु मसीह जो है वही हमें पापों की क्षमा दे सकता है, उसके अलावा हमें पापों की क्षमा और कोई नहीं दे सकता। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन एक बात और भी कहता है, यदि तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा किए जाएंगे। यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे भी अपराध क्षमा नहीं होंगे। इसलिए वो कहता है कि दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। तो आइए हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करें और अपने गुनाहों से तौबा करें। आइए गुनाहों से तौबा के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, हम एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। ओ प्यारे प्रभु जी, जितने भी तेरे भाई बहन तेरे सामने बैठे हैं, अपने हृदय में प्यारे प्रभु अपने गुनाहों को मानते हैं और उनको छोड़ देने के लिए तुझसे वादा करते हैं। ओ प्यारे प्रभु जी, इनके आंसुओं को देख, इनकी मन की दीनता को देख। ओ प्यारे प्रभु जी, तू इनको क्षमा कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से तू क्षमा कर प्यारे प्रभु। ओ दयालु प्रभु, इनके पापों को धो डाल प्यारे प्रभु और इनको सारे पापों से मुक्ति दे प्यारे प्रभु, ताकि ये तेरे दूसरे आगमन के लिए तेरे साथ जाने के लिए तैयार हो सके। ये सारी प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।